अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं जी? स्टूडेंट्स, हम 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास है, इफ ए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2, 4, 6 एंड बी हमारे पास है 3, -1, 2, -2। ये हमारे पास है, कहते हैं देन शो दैट इसका पार्ट 1 हमारे पास है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, या ना भी ब्रैकेट लगाएं नो इशू, इंटू आई। कि ये तीनों जो आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटी के अंदर तीन जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब इधर हमने क्या करना है, ए को फर्स्ट पे लेना है, बाद में एडजॉइंट को, इस साइड में हमने क्या करना है, एडजॉइंट को पहले लेना है और ए को बाद में, और इधर क्या करना है, डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी हम जो है वो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पे हमें, क्योंकि ए तो हमें गिवन है लेकिन उसमें ना एडजॉइंट है और ना ही डिटरमिनेंट है, ये दोनों चीजें हम जो है वो क्या करते हैं, इसकी फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का एडजॉइंट लेना है तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, और ये 2 जो है वो क्या आ जाएगा, -2, और 4 जो है ये -4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उस फॉर्म में भी बयान कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 4, 6, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 -8 इज इक्वल टू -2। अब हम उसका एक पार्ट लेते हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये आ रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पहले हम ए पुट करेंगे, ए हमारे पास है 1, 2, 4, 6 और यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट हमारे पास आ रहा है 6 -2 -4 1। अभी दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर इस रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर इसको 4 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर आ जाएगा +6 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका रिजल्ट ये सिंप्लीफाई करने में हमें मिलेगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस, और ये माइनस माइनस,
टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट। वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस टू। इधर फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई किया 24, फिर प्लस माइनस माइनस, सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये प्लस फोर ये माइनस टू, ये आ गया माइनस एट। प्लस सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सिक्स। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा सिक्स माइनस एट माइनस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल जीरो, प्लस 24 माइनस 24 जीरो, माइनस एट प्लस सिक्स और ये आ जाएगा माइनस टू। ये हमारे पास इस फर्स्ट वाले पार्ट का रिजल्ट आया। अब सेकंड वाला पार्ट, इसमें हमारे पास आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, कि हमने अब फर्स्ट पे एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पे ए वाला मैट्रिक्स लिया है फिर एडजॉइंट वाला। अब हमने एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को फर्स्ट पे लेना है और उस ए मैट्रिक्स को हमने एंड पे लेना है। तो ये पहले आ जाएगा हमारे पास सिक्स माइनस टू माइनस फोर वन, और यहाँ आ जाएगा वन टू फोर सिक्स। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर। फिर इसको सेकंड रो से ये आ जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स। फिर सेकंड रो ये आ गया माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन, फिर आ जाएगा प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फोर। फिर ये उधर ये आ जाएगा माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स प्लस माइनस माइनस, टू को फोर से एट, ये आ गया ट्वेल्व और ये माइनस ट्वेल्व, या माइनस फोर प्लस फोर और ये वाला आ गया माइनस एट प्लस सिक्स। ये बन जाएगा हमारे पास सिक्स माइनस एट माइनस टू, ये टू प्लस ट्वेल्व, ये माइनस, ये प्लस माइनस फोर, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, माइनस एट प्लस सिक्स, ये भी आ जाएगा हमारे पास माइनस टू। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी देखिए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो हमारे पास आ रहा है माइनस टू और इधर आ जाएगा आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने उसी जो है ऑर्डर का लेना है जिसका हमारा ए है, तो ए का ऑर्डर 2 बाय 2 है, तो ये 2 बाय 2 में आ जाएगा वन जीरो जीरो वन। तो अब माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस टू, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, फिर इसको जीरो से जीरो और ये माइनस टू। अभी देखिए एक हमारे पास रिजल्ट जो है वो ये वाला आ रहा है, एक रिजल्ट ये वाला है और एक रिजल्ट ये वाला है। तीनों रिजल्ट से हम क्या आ रहे हैं सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एडजॉइंट ऑफ ए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रही है ट्रू हो रही है। तो ये हम जो है क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम, यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री इट इज क्लियर दैट गिवन स्टेटमेंट कर लें, या फिर इस तरह से कर दें कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
आई कि ये तीनों जो हैं ये क्या आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास यानी ये जो आइडेंटिटी यानी जो पार्ट फर्स्ट में आइडेंटिटी पूरी लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी इन तीनों इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि ये आइडेंटिटी जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब हम इसका पार्ट टू करते हैं जिसमें इसी तरह की एक और आइडेंटिटी दी गई है, अब उसको प्रूव करते हैं। Then show that in इसी क्वेश्चन का पार्ट टू है हमारे पास और वो हमारे पास है बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी कि हमने प्रूव करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। अब हम वहां से दिए गए बी को फाइंड करते हैं, बी तो हमारे पास है लेकिन बी का इनवर्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का इनवर्स फाइंड करते हैं, उसके लिए हम जो है वो बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3 - 1 - 2 - 2 3 × -2 - × 2 × 2 − 1 ये आ गया -6 −−+2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है −4। अब हम बी का एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा -2, 1 + हो जाएगा और ये 2 - हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बी इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी 1 / बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4 1 / -4 into और जॉइंट है −2 - 2 = 3 जी। अभी हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लेना है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ये जो बाहर स्केलर नंबर आ रहा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हमारे नंबर्स होंगे तो उन नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लिहाजा हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं और अभी जो है इसकी ये फॉर्म यानी जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है बी बी इनवर्स, फर्स्ट में हमने बी को पुट करना है, बी हमारे पास आ रहा है 3 − 1 = 2 − 2 फिर आ रहा है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी इनवर्स हमारे पास है 1 / −4 × −2 − 2 = 3 अब ये स्केलर है इसको स्टार्ट में ले जाते हैं 1 / −4 और यहाँ बच जाएगा 3 − 1 = 2 − 2 और ये आ जाएगा हमारे पास −2 − 1 − 2 = 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ये −1/4 या −1 ऊपर भी रहने दें माइनस को तो फिर भी इशू कोई नहीं है तो ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे मैट्रिक के साथ, ये आ गया 3 × −2 + −1 × −2 फिर इसको सेकंड कॉलम से तो ये आ जाएगा 3 × 1 + −1 × 3 फिर सेकेंड रो को तो यह आ जाएगा 2 × −2 + −2 × −2 फिर इसको सेकेंड कॉलम से 2 × 1 फिर इसको −2 × 3 तो ये आ जाएगा। अभी ये बन जाएगा 1/−4
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आ गया 3 माइनस 3, ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4, और ये आ गया 2 प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/-4, और इधर आ जाएगा -6 प्लस 2 माइनस 4, ये कैंसिल 0, ये भी 0, और यहाँ आ जाएगा -4। अब इस -1/4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 × 1/-4, 0 × 1/-4, और यहाँ आ जाएगा 0 × 1/-4, यह आ गया -4 × 1/-4। ये माइनस माइनस से कट जाएगा 4 4 से इधर भी, और इधर हमारे पास बन जाएगा ये यहाँ पे रह गया 1, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी। तो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड से हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, वो अभी हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इनवर्स बी, तो अभी हम फर्स्ट पे बी इनवर्स पुट करते हैं 1/-4, और ये आ रहा है -2 1 -2 3, और उसके बाद हम बी पुट करते हैं और बी हमारे पास है 3 -1 2 -2। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्केलर है इसको बाहर ही रहने देते हैं, जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 × 3 + 1 × 2। फिर हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 × -1 + फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2। फिर सेकंड रो में ये आ जाएगा -2 × 3 + 3 × 2। फिर इसको सेकंड ये आ जाएगा -2 × -1, और ये आ जाएगा +3 × -2, और यहाँ हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। ये आ जाएगा 1/-4, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -6 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास -−+2 + -−2, और यहाँ से -6 + 6, और ये आ जाएगा -−+2 + -−6 आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1/-4 −4, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल 0, और यहाँ से आ गया -4। अभी ये 1/-4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 × 1/-4, 0 × 1/-4, और यहाँ भी आ जाएगा 0 × 1/-4, और ये आ जाएगा -4 × 1/-4। ये माइनस माइनस से कट जाएगा 4 4 से, इधर भी माइनस माइनस से और 4 4 से, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये भी 0, और यहाँ भी 1, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। देखिए अब हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और राइट साइड का रिजल्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इन्हें हम ये लिख सकते हैं। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, इन ये हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, ये भी स्टेट जो है स्टेटमेंट या ये आइडेंटिटी है ये ट्रू है, तो ये हमने इसको भी प्रूव कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने गिवन मैट्रिसेस के लिए
गिवन जो है वो कंडीशन या गिवन जो आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूव करना सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।